कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट डालो की राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालकर सभी को जोड़ने का काम कर रही है। इस दौरान सलमान खुर्शीद ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की और क्या कुछ इस दौरान अहम बातें हुई हैं, आपको सुनवाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल हो रही है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना है, कांग्रेस की यात्रा उत्तर प्रदेश में कहां से दाखिल होगी और कहां तक रहेगी? उत्तर प्रदेश में लोनी बॉर्डर से गोकुलपुरी चौक से आएगी, गाजियाबाद रहेगी, गाजियाबाद के बाद बागपत जाएगी, बागपत से शामली जाएगी। 2024 में भाजपा को फाइट मिलेगी ये मेरा विश्वास है, लेकिन हमें उसके लिए कुछ करना होगा, हम करेंगे, जो करना होगा वो हम करेंगे। क्या मानते हैं कि इस यात्रा से कितना प्रभाव पड़ने वाला है जनता? यात्रा का चुनाव से कोई संबंध नहीं है, यात्रा निकाय चुनाव को लेकर के क्या कहना है? आज बड़ा झटका सरकार को दिया है, तैयारी हो रही है, जो हाईकोर्ट ने कहा है उसको, उस हाईकोर्ट का हम सम्मान करते हैं और सरकार को भी करना चाहिए।